बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट फीडबैक इनहिबिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम फॉर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बाय उस्मान अहमद। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वी वांट टू अंडरस्टैंड द फीडबैक इनहिबिशन व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन and also discuss about the classification of enzyme, in which we discuss about on the basis of reaction type and on the basis of substrate. Now first we discuss about the feedback inhibition. The feedback inhibition can be defined as when a series of reaction is catalyzed by a number of enzyme in sequence, the accumulation of final end product and may causes inhibition of the activity of the first enzyme of the series is called feedback inhibition. आपको मैंने डेफिनेशन में ये बताया कि जो सीरीज में आपके पास केमिकल रिएक्शन जो टेक्स प्लेस हो रहा होता है उसमें जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होकर जो सबस्ट्रेट है उसको बाइंड नहीं होने देगा और ऐसे मैकेनिज्म को हम फीडबैक इनहिबिशन कहेंगे। जब आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो आपके पास कैस इंजाइम्स के साथ, ये देखें ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आपके पास इंजाइम के साथ अटैच होगा, फर्स्ट इंजाइम के साथ अटैच होगा, देन आपके पास ये सबस्ट्रेट क्या है कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएटेड सबस्ट्रेट के अंदर जो कि क्या है सेकेंड इंजाइम के साथ बाइंड हो गया। और फिर वो जो आपके पास जो जब ये सेकंड एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा फिर ये कन्वर्ट होगा दोबारा इंटरमीडिएटेड सबस्ट्रेट में जो कि आपके साथ थर्ड एंजाइम्स के साथ अटैच्ड होगा और देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ द एंड प्रोडक्ट। जैसे जैसे ऐसा ऐसा जब आपके पास जो सबस्ट्रेट जो है उसकी अमाउंट कम होती जाएगी और आपको पता है एंड प्रोडक्ट की जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जब एंड प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी है देन दिस फाइनल प्रोडक्ट अटैच टू द एलोस्टेरिक साइड ऑफ द एंजाइम एंड इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट। और क्या होगा कि जब फाइनल प्रोडक्ट जो है अटैच हो जाएगा एलोस्टेरिक साइड ऑफ द सबस्ट्रेट आपके एलोस्टेरिक साइड ऑफ द एंजाइम के साथ then substrate cannot be bind with the enzyme और जो conversion है जिसके final product पर वो जो substrate convert हो जाए वो क्या है वो नहीं होगी। that's why ये जो final आपके पास product है it inhibits the conversion किसकी conversion of the substrate into product। that's why this whole phenomenon is called as feedback inhibition, sometimes it is also called as a allosteric इनहिबिशन। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि इसके इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं एंड हाउ इट कैन पॉसिबल, इसको हम रिवर्स कैसे करेंगे। वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट, तो हम अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं देन जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट जो इसके साथ एलोस्टेरिक साइड पे है वो उसकी जो अटैचमेंट है वो रिमूव हो जाएगी, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ से रिमूव होगा देन जो आपका फर्स्ट एंजाइम है फिर दोबारा जो आपके पास ये एंजाइम मौजूद है जो आपका फर्स्ट एंजाइम है ये क्या है अब फ्री हो गया, अब ये सबस्ट्रेट के साथ दोबारा बाइंड कर देगा और इंटरमीडिएटेड सबस्ट्रेट बन जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएटेड सबस्ट्रेट है वो जो है सेकेंड एंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद आपको फिर दोबारा इंटरमीडिएटेड सबस्ट्रेट नेक्स्ट में जो कन्वर्ट होगा जो एंजाइम थ्री उसके साथ फिर दोबारा बाइंड कर देंगे और फिर फर्दर ये जब कन्वर्जन हो जाएगी तो इसकी मदद से हमने देखा कि आपके पास जो है वो आपके पास फिर दोबारा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी फीडबैक इनहिबिशन जिसको हम रिवर्स इसको हम कर सकते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये रिवर्स नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन भी कहलाती है, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन है लेकिन ये रिवर्सेबल इनहिबिशन है। और इसको हम इसमें एग्जांपल भी है कि ये आप कोट कर सकते हैं और इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है
के राइट अ नोट ऑन फीडबैक इनहिबिशन आर एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिर दोबारा हम डेफिनेशन इसकी कर लेते हैं। व्हेन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, व्हेन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इज कैटलाइज बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम्स, इधर देखें डिफरेंट नंबर ऑफ एंजाइम्स से ये क्या है कैटलाइज, और ये जो सबस्ट्रेट जो है डिफरेंट एंजाइम से कैटलाइज होकर फाइनल प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट मे कॉज द इनहिबिशन इन द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। और जो फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और इनहिबिशन करता है किसकी, के सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड ना कर सके, तो ऐसी इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं या एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहेंगे। तो इसको अगर हम दोबारा अगर डिफाइन कर सकें तो क्या कहना है, व्हेन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम्स इन द सीक्वेंस दैट एक्युमुलेट्स द फाइनल एंड प्रोडक्ट एंड कॉजेस द इनहिबिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंजाइम ऑफ द सीरीज दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो ये तो आपने किसके बारे में डिस्कस किया, फीडबैक इनहिबिशन के बारे में, जिसको हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कह सकते हैं। और ये आप एग्जांपल जो है रिवर्सेबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में भी कोट कर सकते हैं। तो अब हम जो है फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जो है वो किस पे बेस्ड कर रही है, दो तरह की हैं हमने पढ़नी है, एक है बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप और बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट 1961 में डिवाइड किए थे एंजाइम की क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसके मुताबिक सिक्स मेजर ग्रुप्स बन रहे थे। वो हमारे पास सिक्स मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसिस, आइसोमेरेसिस एंड लाइगेजेस। तो ये हमारे पास सिक्स मेजर ग्रुप है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वाले जो है उन्होंने इनको डिवाइड किया और मेजर सिक्स ग्रुप्स बनाए। और ये जो है हमारे पास ये जो ग्रुप की जो सिक्स ग्रुप की यूनियन जो फॉर्म हुई थी, जिस जब ये जो आपस में इनकी जो मीटिंग हुई थी वो जो तारीख है वो है 1961, और ये मेजर सिक्स ग्रुप में डिवीजन हुई थी। अब फर्दर हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज से क्या मुराद है। बेसिकली दीज एंजाइम कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो आपके पास एंजाइम है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, मतलब जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो ट्रांसफ़र होती है, वो जो आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन रिएक्शन में ये आपके पास हो रहे हैं, जो दोनों वक्त वक्त हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कौन से क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस हैं। और ये जो एंजाइम है जो कार्य होते हैं उन एंजाइम्स को हम ऑक्सीडो रिडक्टेसिस एंजाइम्स कहेंगे, जिसमें आपको ये है जो एग्जांपल है पाइरूवेट डी हाइड्रोजिनेस एंजाइम है बेसिकली जो कैटालाइज करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट को एसिटाइल कोए में। फर्दर मोर हमारे पास जो सेकेंड इसकी टाइप है उसे हम ट्रांसफरेसिस है, और जो ट्रांसफरेसिस है बेसिकली दे आर इन्वॉल्वड द ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस को में इन्वॉल्व है जो बेसिकली क्या कहते हैं, जो केमिकल ग्रुप जो है उसको ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अनदर कंपाउंड। तो इनको ऐसे जो हमारे पास एंजाइम्स इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेसिस बोलते हैं। और इनके एग्जांपल हमारे पास है ट्रांस एमिनेस विच ट्रांसफर द अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल। तो ये सेकेंड क्लास थी जिसका बेसिक फंक्शन ये था कि वो जो आपके पास ए जो केमिकल ग्रुप मौजूद है उसको
ट्रांसफर कर देता है एक कंपाउंड से या एक मॉलिक्यूल से टू द अनदर मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड ग्रुप की हम बात करते हैं, वो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बेसिकली इन्वॉल्व द हाइड्रोलिटिक जो रिएक्शंस है, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस आप जो वाटर की मदद से ब्रेक डाउन की जाती है बॉन्ड की, उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, कि वाटर की मदद से ये बॉन्ड की ब्रेक डाउन करते हैं। तो और उस ऐसे इंजाइम्स जो वाटर की मदद से बॉन्ड का ब्रेक डाउन करें उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। और इसकी कॉमन एग्जांपल है कि पेप्सिन हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स। जो पेप्सिन हाइड्रोलाइज इंजाइम्स हैं, जो पेप्सिन इंजाइम है वो बेसिकली क्या करता है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और जो वो प्रोटीन्स में जो बॉन्ड्स मौजूद हैं उनकी ब्रेक डाउन कर देगा ये। और आपको पता है कि वो अमीनो एसिड्स की प्रोटीन्स बनी होती है, और अमीनो एसिड्स में जो लिंक प्रेजेंट होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड ग्रुप था। अब हम फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है लाइसिस। लाइसिस बेसिकली क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स दे हैव कैटालाइज अ डबल बॉन्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अ ग्रुप आर अ ग्रुप इज एडेड टू द डबल बॉन्ड। अब बेसिकली ये जो है आपने याद रखने के जो लाइसिस है वो क्या कर रहा है ब्रेक डाउन कर रहा है बॉन्ड्स की, कैटालाइज करता है ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन विदाउट द यूज ऑफ वाटर। वाटर की जो है ना कि वाटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जो है डबल बॉन्ड जो इसमें से जो कैटालाइज हो रहा है जिसके अंदर आपके पास बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो रही है, जो आप ये बात याद रखनी है कि उसने आपके पास जो पहले वाला ग्रुप था जिसमें हमने ये हाइड्रोलेस की बात की थी, यहाँ पे ये क्या है वाटर को इस्तेमाल कर रहा था। इसके अंदर फर्क क्या आ गया, ये वाटर को इस्तेमाल करता है लेकिन ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड्स की विदाउट जो है आपने ये बात याद रखना है विदाउट द यूज ऑफ वाटर। और इसमें ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं लाइसिस बोलते हैं। और कॉमनली जो एल्डोलेस इंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरडीहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। वो बेसिकली क्या है कि किस मदद से हो रही है, वो लाइस इंजाइम है वो बॉन्ड को क्या है जो आपके पास जो फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है उसको ब्रेक डाउन कर दिया उसने, उसके बॉन्ड्स को तोड़ दिया, और उसकी मदद से हमारे पास जो दो नए मॉलिक्यूल्स बन गए जिनको एक हमने ग्लिसरडीहाइड 3-फॉस्फेट कहा और ये दूसरे को हमने डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहा। और ऐसे एंजाइम को या ऐसे एंजाइम की जो क्लास है उसको हम लाइसिस कहते हैं। ये तो हमारे पास चौथा ग्रुप था जिसके अंदर विदाउट दी यूज ऑफ वाटर वो क्या कर रहा है आपके पास बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन कर रहा है, और जिसकी वजह से नए कंपाउंड्स में वो जो ब्रेक डाउन कर देगा तो नए कंपाउंड्स जो है ना वो फॉर्मड हो जाएंगे। और इसकी एग्जांपल आपके पास एल्डोलेस इंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट को कन्वर्ट कर जाती है G3P एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो ये तो हमारे पास चौथी क्लास थी जिसे हम लाइसिस कहते हैं। इसके बाद आपके पास आइसोमेरेसिस हैं। आइसोमेरेसिस के अंदर क्या आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड ये कैटालाइज कर दिए आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। आपको पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं विच हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फार्मूला। तो बेसिकली ये क्या है मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उनको चेंज कर देते हैं एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है विच कैटालाइज विच कन्वर्ट द ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इंटू अ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। बेसिकली इसने क्या किया ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन पोजिशन टू दी अनदर पोजिशन इन अ सेम कंपाउंड। तो आपको मैं क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहा लेकिन जो पहले ये जो ग्लूकोज पे फॉस्फेट ग्रुप था वो फर्स्ट का आपके पास फर्स्ट कार्बन पे मौजूद था लेकिन बाद में वो आपके पास सिक्स कार्बन पे मौजूद हो गया। तो ऐसे एंजाइम्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम नहीं लेकिन स्ट्रक्चर को चेंज कर दें उनको हम आइसोमेरेसिस क्लास में रखेंगे। और इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की है। इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर भी क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज
में जब कन्वर्ट होती है तो क्विक रिलीज ऑफ एनर्जी, तो मुख्तलिफ आइसोमेरेज एंजाइम इस्तेमाल होते हैं ताकि जो है ग्लूकोज की ग्लूकोज फॉर्म करे और हमारी जो है एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें, ताकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसको जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो इजीली टेक्स प्लेस होती रहे। तो ये तो था हमारे पास आइसोमेरेज क्लास के बारे में। फिर इसके बाद हमारे पास लाइगेज आ जाता है। लाइगेज बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइनिंग करने के लिए होता है। दे आर इन्वॉल्व इन द टू द ज्वाइनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, के वो जो दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ दे, तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसी क्लास को हम क्या बोलेंगे, लाइगेजेस। और इनमें डीएनए लाइगेजेस जो है इसकी एग्जांपल है, जो दो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को आपस में क्या कर देती है, ज्वाइन कर देती है बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इनके दरमियान में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है डीएनए मॉलिक्यूल के दरमियान, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज, तो इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है उसको हमने क्या बोला, डीएनए लाइगेज। और बेसिकली इसकी जो क्लास है उसको भी हम क्या कहेंगे, लाइगेजेस। ऐसे एंजाइम जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइगेजेस, उस क्लास का नाम है लाइगेजेस। और इसके एग्जांपल कॉमन जो है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम है। तो ये सिक्स क्लासेस थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप रिएक्शन, के टाइप रिएक्शन के बिना पर कौन सी छः क्लासेस हैं हुई। और ये छः क्लासेस जो हैं वो इन 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने प्रपोज की थी, जो के जिसके मुताबिक एंजाइम की क्लासिफिकेशन हुई हुई है। अब फर्दर मोर हम इसकी क्लासिफिकेशन सबस्ट्रेट के हिसाब से देखते हैं। पहले हम इसको जो है एक जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम रिएक्शन टाइप की, वो हम एक टेबल की फॉर्म पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, टेबल बना के भी याद कर सकते हैं। तो हमने जो ये पीछे जितना भी हमने इसकी जो डिटेल पढ़ी है, अगर उसको हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करें तो आपने हमेशा याद रखना है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का क्या काम है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम फ्रॉम वन सबस्ट्रेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल। और इसकी ये कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास डीहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम या ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स हैं। फिर इसके बाद हमने ट्रांसफरेजेस की बात की थी। ट्रांसफरेजेस का मतलब ये क्या है, ट्रांसफर अ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट या फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अनदर कंपाउंड, तो उसे हमने क्या बोल दिया था, ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स हैं। और इसकी की कॉमन एग्जांपल हमारे पास ट्रांस एमिनेज और काइनेजेस एंजाइम्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, जो क्या कहती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड या सबस्ट्रेट जो कर रही है, बेसिकली इसका मतलब ये कि विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है वो सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन कर देती है। इनमें एस्टरेसिस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। चौथी क्लास हमने आइसोमेरेसिस के बारे में पढ़ा था। आइसोमेरेसिस में हमने ये डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाता है। तो चेंज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सबस्ट्रेट, आपका जो आपने ये बात याद रखना है कि जो आपका ये क्या होगा, फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज और फ्यूमरेज जो है इसकी कॉमन एग्जांपल आ जाएगी। और इसमें आपको जारी पता है आइसोमेरेज की आपने डेफिनेशन पढ़ी भी है, आपको पता है कि जिसके अंदर आपके पास जो है, जब हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो वो हमारे पास जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का है, फ्रुक्टोज का भी यही है। तो जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला तो चेंज हो गया लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा। तो ये जो एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरेसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद लाइसिस के बारे में क्या है कि रिमूवल ऑफ अ ग्रुप या एडिशन ऑफ अ ग्रुप जो सबस्ट्रेट में हो रही है, जो बेसिकली विदाउट द यूज ऑफ वाटर जो एडिशन या रिमूवल कर रही है एटम्स की या ग्रुप की, तो उसको हम डी कार्बो ऑक्सीलेज इंजाइम बोलेंगे या एल्डोलेजिस इंजाइम जिसकी एग्जांपल है। लाइगेशन का मतलब पहले आपको बता दिया कि जो भी ज्वाइनिंग ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स हो रही हैं उनको हम लाइगेसिस कहेंगे। और इसके अंदर हमारे पास सिट्रिक एसिड सिंथेसिस जो है इसकी हमने एग्जांपल की है। इसी के अलावा जो हमने डिस्कस की थी जो डीएनए लाइगेज है, जो दो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करती है। तो ये तो हमने किसके क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया है। और फर्दर मोर हमने इसकी डिटेल भी डिस्कस कर ली है। और ये आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम या एक्सप्लेन द क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, तो आपने ये जो छह क्लासेस हैं इनको एक्सप्लेन करना होगा। ये अक्सर जो है ये बड़ा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है। अब इसके बाद
आपके पास जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के जो बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली हम इनके जो जिस पर ये एक्ट कर रहे हैं, जिस कंपाउंड पे ये एक्ट करते हैं उसके मुताबिक इनका नाम रख दिया जाता है, और उसके लिए हम ऐड कर देते हैं सुफिक्स, ऐड करते हैं जिसे हम बोलते हैं सुफिक्स को ऐड करके उनके नेम के साथ ऐड करते हैं और उसके साथ हम ए एस सी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट पे जो है एंजाइम वर्क कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेसिस इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। प्रोटीन पे ऐड कर रहा है तो प्रोटीनेजिस हो जाएगा। लिपिड पे ऐड कर एक्ट कर रहा है अगर एंजाइम तो उसका नाम लाइपेसिस हो जाएगा। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड पे है, न्यूक्लिएसिस। माल्टोज पे ऐड कर रहा है तो माल्टेज। लैक्टोज पे ऐड कर रहा है लैक्टेज। सुक्रोज पे ऐड कर रहा है सुक्रेज। एंड देन अगर यूरिया पे ऐड कर रहा है तो यूरिएज। ये क्या हो जाएगा कि किस सबस्ट्रेट पे कौन सा एंजाइम ऐड कर रहा है, देन वी हैव टू ऐड द सुफिक्स ए एस सी टू देयर नेम ऑफ द सबस्ट्रेट और उसके मुताबिक उसका नाम हो जाएगा। जैसे हमने ये फर्दर ये क्लासेस हमने डिस्कस किया, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट है, इसी तरह प्रोटीन है तो प्रोटीनेज है एंड फर्दर ऑन। तो ये तो बस था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द सबस्ट्रेट के हिसाब से के एंजाइम कैसे क्लासीफाई हुए हैं। तो आज हमने फीडबैक इनहिबिशन और जी इसको हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कह सकते हैं और इसको हम रिवर्सेबल नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन में इसको एज एग्जांपल कोड भी कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन टाइप एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट। तो अब हमारा जो आज ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।